Assalamualaikum students, this is unit number 3 networks. Today we are going to cover the topic message. Message is the data or information to be communicated. Communicated means to share or exchange information, news or ideas. It may consist of text, numbers, pictures, sound, video or any combination of these. इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मैसेज में, टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, कोई भी साउंड, वीडियो, MP3, MP4, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर सकते हो मैसेज के थ्रू. इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंड टू द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. कोई भी मैसेज होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. Payload is the actual content of the message, whereas the control information contain information about the sender and the receiver. Payload में हम क्या चीज़ मालूम करते हैं कि message का असल मवाद क्या है, उस message में क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं, उसे हम payload कहते हैं. जबकि control information में आपका sender और receiver की मालूमात होती है, उसके बारे में जितनी भी information होगी वो सारी आपकी क्या कहलाएगी, control information. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हेडर ऑफ द मैसेज. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम हेडर ऑफ द मैसेज भी कहते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ राइटिंग अ लेटर, वेयर वी राइट अ लेटर अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सेंडर एंड रिसीवर. इन दिस एग्जाम्पल योर लेटर इज द पेलोड. इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच एंड गेट अ रिप्लाई. ये बिल्कुल लेटर लिखने जैसा होता है, जैसे जब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो सेंडर एंड रिसीवर की जो भी मालूमात होगी वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, जबकि लेटर जो है वो आपका पे लोड कहलाएगा. उस इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच एंड गेट अ रिप्लाई. अब आपने कोई भी लेटर जब आपने भेजना होता है तो डिस्पैच करने के लिए आपको सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो क्या कहलाएगी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल्स, Suppose you want to distribute your books of 8th class to different people and it is possible that the recipient of a book may write you a letter of thanks. आपने अपनी 8th class की जो books हैं वो distribute करनी है मुख्तलिफ लोगों में, और possible है कि जो जिन लोगों को आप भेज रहे हैं उन्होंने आपको थैंक्स का लेटर भेजना हो. यू पुट अ लेबल ऑन ईच बुक कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस विदाउट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन. अब आप हर एक बुक पर जहाँ पर आपने बुक भेजनी है उसका एड्रेस लिखोगे, एज शोन इन फिगर 3.7. इन दिस एग्जाम्पल द लेबल इज अ हेडर, ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, एंड बुक इट सेल्फ इज पे लोड, इज ऑल्सो कॉल्ड मैसेज. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, हेडर है, जो आप सेंडर और रिसीवर जो है वो उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको क्या कहलाएगी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. और मैसेज में क्या चीज़ जा रही है, एंड बुक इट सेल्फ इज़ अ पेलोड, एक ऑल्सो कॉल्ड मैसेज. जो बुक हम भेज रहे हैं वो क्या है, हमारी पेलोड है, वो हमारा मैसेज है जो हम सेंडर से रिसीवर को भेज रहे हैं.